देख रहे हैं खबरों का नया पैमाना, भोजपुर का अपना चैनल भोजपुर की आवाज। भोजपुर की आवाज न्यूज चैनल के रीजनल कोरोना बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले खबर प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीते दो दिनों की तुलना में शुक्रवार को नए मामलों की संख्या कुछ कम रही। बीते 24 घंटों में प्रदेश भर में 1252 नए मामले मिले हैं, वही 17 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,433 हो गई है। इसमें 45,396 लोग संक्रमण से ठीक होकर घर आ गए हैं, वही 1323 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में वर्तमान में 12,714 एक्टिव मामले हैं। अब खबर रायसेन जिले से। रायसेन जिले में शुक्रवार को 10 नए कोरोना मरीज मिले हैं, इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 638 हो गई है। नए मामले 2 रायसेन शहर, 4 सांची ब्लॉक, 2 मंडीडीह तथा 1 उदयपुरा का है। जिले में अब एक्टिव केस 130 हो गए हैं, जिनका कोविड केयर सेंटर सहित भोपाल के अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है। ओबेदुल्लागंज ब्लॉक में शुक्रवार को 2 नए मामले सामने आए हैं, दोनों ही मामले मंडीदीप के हैं। मंडीदीप के वार्ड 14 तथा वार्ड 16 में 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर बैरिकेडिंग कर दी है। शहर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 90 हो गई है, इसमें 15 एक्टिव मामले हैं। आज के कोरोना बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश प्रदेश के साथ अपने जिले और शहर की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि।